सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि मेरा पूरा दिन घर के काम करने में बीत जाता है। यहाँ बताना चाह रही है कि मेरा पूरा दिन ना घर के काम काज में निकल जाता है, सारा टाइम उसमें बीत जाता है। इस सेंटेंस को हम चार तरीके से बोल सकते हैं। चलो देखते हैं इस वीडियो में कैसे कैसे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये कह रही है कि माई होल डे इज स्पेंड डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। माई होल डे इज स्पेंड डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, यानी मेरा पूरा दिन घर के काम काज में गुजर जाता है, घर के काम में गुजर जाता है। माई होल डे इज स्पेंड डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। यहाँ हम ऐसे बोलेंगे माई इंटायर डे इज कंज्यूम्ड बाय का यूज़ होगा यहाँ पर। माई इंटायर डे इज कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड टास्क। इसका मतलब भी कहने का ये है कि मेरा पूरा दिन घर के काम में बीत जाता है। या तीसरी तरीका यह है कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई डेडिकेट माई होल डे टू हाउस होल्ड ड्यूटीज। आई डेडिकेट माई होल डे टू हाउस होल्ड ड्यूटीज। आई डेडिकेट माई होल डे टू हाउस होल्ड ड्यूटीज। तो इसका मतलब भी कहने का ये कि मेरा पूरा दिन काम में बीत जाता है। माई डे इज फिल्ड विद हाउस वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। लास्ट में हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि माई डे इज फिल्ड विद हाउस वर्क, यानी जो मेरा दिन है वो भरा पड़ा है घर के काम से। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक के लिए मैं काम ही करती रहती हूँ। घर का सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। आगे बोल रही है कि आई हैव टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क माई सेल्फ। आई हैव टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क माई सेल्फ, यानी घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आई हैव टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क माई सेल्फ। मेरी लड़कियां तो खुद को शहजादी समझती हैं और किसी काम को हाथ नहीं लगाती। यहाँ पर अपनी लड़कियों के बारे में बता रही है कि माई डॉटर्स थिंक ऑफ देम सेल्फ एज प्रिंसेसेस एंड डोंट टच एनी वर्क। माई डॉटर्स थिंक ऑफ देम सेल्फ एज प्रिंसेसेस एंड डोंट टच एनी वर्क, यानी मेरी लड़कियाँ तो खुद को महारानी यानी शहजादी समझती हैं और किसी काम को हाथ नहीं लगाती। माई डॉटर्स थिंक ऑफ देम सेल्फ एज प्रिंसेसेस एंड डोंट टच एनी वर्क। वे अपना पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर बिताती हैं। दे स्पेंड देयर होल डे आउटसाइड विद फ्रेंड्स। दे स्पेंड देयर होल डे आउटसाइड विद फ्रेंड्स, यानी वे अपना पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर बिताती हैं। दे स्पेंड देयर होल डे आउटसाइड विद फ्रेंड्स, जबकि मैं घर का सारा काम करती हूँ। वाइल आई डू ऑल द हाउस वर्क। वाइल आई डू ऑल द हाउस वर्क, यानी कि जबकि घर का सारा काम मैं करती हूँ। वाइल आई डू ऑल द हाउस वर्क, यहाँ पर ही बता रही है कि दे स्पेंड देयर होल डे आउटसाइड विद फ्रेंड्स, वे अपने दिन जो है बाहर बिताती हैं अपने दोस्तों के साथ। वाइल आई डू ऑल द हाउस वर्क, जबकि घर का सारा काम मैं करती हूँ। मैं सुबह उठकर सबसे पहले बर्तन धोती हूँ। आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड वॉश द डिशेज फर्स्ट। I wake up in the morning and wash the dishes first. Wash the dishes first का मतलब है कि बर्तन धोना सबसे पहले। I wake up in the morning, मैं सुबह उठती हूँ, and wash the dishes first, और सबसे पहले बर्तन धोती हूँ। उसके बाद मैं घर की सफाई करती हूँ। After that, I clean the house. After that, I clean the house. उसके बाद मैं घर की सफाई करती हूँ। After that, I clean the house. And then, make the bed. Make the bed का मतलब है कि जब हम सो के उठते हैं तो बेड को सही करना है, यानी कि कपड़ों को तय करके रखना, जो चादर बिगड़ी पड़ी है उसे सही करना, इसके लिए हम बोलते हैं make the bed. तो बता रही है कि after that, I clean the house. उसके बाद मैं घर की सफाई करती हूँ। And then, make the bed. और फिर मैं बेड बनाती हूँ, यानी तेवे करती हूँ, कपड़ों को सही से रखती हूँ। फिर मैं अपने कपड़े धोती हूँ और आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ। देन आई वॉश माई क्लोथ्स एंड टेक हाफ आवर ब्रेक। देन आई वॉश माई क्लोथ्स एंड टेक अ हाफ आवर ब्रेक, यानी फिर मैं कपड़े धोती हूँ और आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ। एंड देन आई वॉश माई क्लोथ्स एंड टेक हाफ आवर ब्रेक। फिर मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ। देन आई स्वीप द हाउस। देन आई स्वीप द हाउस, फिर मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ। देन आई स्वीप द हाउस, और इस तरह से मेरा दिन बीतता है। दिस इज़ हाउ माई डे गोज बाय। दिस इज़ हाउ माई डे गोज बाय, और इस तरह से मेरा दिन बीतता है। दिस इज़ हाउ माई डे गोज बाय। घर चलाना आसान काम नहीं होता है। यहाँ पर ये बता रही है कि रनिंग अ हाउस होल्ड इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इस तरीके से बोलते हैं ना कि घर चलाना कोई आसान बात नहीं होती, आसान काम नहीं होता। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रनिंग अ हाउस होल्ड इज नॉट एन ईजी टास्क। रनिंग अ हाउस होल्ड इज नॉट एन ईजी टास्क, यानी घर चलाना आसान काम नहीं होता। आगे बोल रही है कि
बच्चों की देखभाल करना, उनकी परवरिश करना, घर के सारे काम को संभालना, इसमें बहुत मेहनत लगती है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, रेजिंग देम एंड मैनेजिंग ऑल हाउस होल्ड चोर्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। यानी सब में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बहुत मेहनत की, हार्ड वर्क की। तो यहाँ पर ही बता रही है कि टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, रेजिंग देम एंड मैनेजिंग ऑल हाउस होल्ड चोर्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बच्चों की देखभाल करना, उनकी परवरिश करना, घर को संभालना, इसमें बहुत मेहनत लगती है। टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, रेजिंग देम एंड मैनेजिंग ऑल हाउस होल्ड चोर्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। वी विल लुक आउट फॉर ईच अदर, यानी हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। वी विल लुक आउट फॉर ईच अदर। अगर तुमने कल इंतज़ार किया होता तो अच्छा होता। यहाँ पर ये लड़की इससे मिलने वाली थी कल, लेकिन इसे आने में थोड़ी देर हो गई थी, तो इसने इंतज़ार नहीं किया, इसके बिना ही चला गया। तो यहाँ पर ये कह रही कि अगर तुमने कल इंतज़ार किया होता तो अच्छा होता। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। जब भी पास्ट में कुछ हो जाता है, मतलब कोई घटना है वो हो गई, जो भी कुछ होना था हो गया, बाद में हम कहते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता, तो इसके लिए हम किस तरीके से बोलते हैं? इसके लिए हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। ये कह रही है कि इट वुड हैव बीन बेटर, यानी अच्छा रहा होता, अच्छा होता। इट वुड हैव बीन बेटर, तो वुड हैव का यूज होगा इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड वेटेड यस्टरडे, अगर तुमने कल इंतजार किया होता। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड वेटेड यस्टरडे, अगर तुमने कल इंतजार किया होता तो अच्छा होता। जब मैं वहां पहुंची तुम जा चुके थे। When I got there, you were gone. When I got there, you were gone. यानी जब मैं वहाँ पहुँची तुम जा चुके थे। When I got there, you were gone. तुमने जबान दी थी कि तुम मेरा इंतज़ार करोगे। यहाँ पर इसे याद दिला रही है, कह रही कि you gave your word. यानी तुमने अपने वर्ड दिए थे, मुझे जबान दी थी। यू गेव योर वर्ड, यू वुड वेट फॉर मी, तुम मेरा इंतज़ार करोगे। यू गेव योर वर्ड, यू वुड वेट फॉर मी, यानी तुमने मुझे जबान दी थी कि तुम मेरा इंतज़ार करोगे, लेकिन तुम अपने वादे पे, लेकिन तुम अपना वादा निभा नहीं सके। कह रही है कि बट यू कुडेंट कीप योर प्रोमिस, बट यू कुडेंट कीप योर प्रोमिस। मैंने पहले बताया है वादा निभाने के लिए हम कीप का यूज़ करते हैं, इसलिए कह रही है कि बट यू कुडेंट कीप योर प्रोमिस, लेकिन तुम अपना वादा नहीं निभा सके। ये जूते एक साल चल गए। तो यहाँ पर किसी जूते की बात चल रही है, वे जूते एक साल तक चले फिर ख़राब हो गए, तो बता रही है कि ये जूते एक साल चल गए। दीज शूज़ हैव लास्टेड वन ईयर, These shoes have lasted one year. यानी ये जूते एक साल चल गए हैं। These shoes have lasted one year. मैंने सोचा नहीं था ये जूते इतने लंबे चल जाएंगे। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो कह रही है कि I didn't think. यानी मैंने सोचा नहीं था। जब भी इस तरीके से कहते हैं कि सोचा नहीं था या मैंने उम्मीद नहीं की थी, तो उसके आगे हम विल का नहीं, वुड का यूज़ करते हैं। मैंने हर बार बताता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पर ही कह रही है कि I didn't think, यानी मैंने सोचा नहीं था These shoes would last this long. तो ध्यान रखना है वुड का यूज़ होगा, विल का नहीं होगा, क्योंकि बात पास्ट में चल रही है। I didn't think, मैंने सोचा नहीं था These shoes would last this long. ये जूते इतने लंबे चल जाएंगे, मैंने सोचा नहीं था ये। I didn't think These shoes would last this long. मैंने सोचा नहीं था जूते इतने लंबे चल जाएंगे। दर्द अब कम होने लगा है, इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे The pain has started to ease now. The pain has started to ease now. यानी दर्द अब कम होने लगा है। The pain has started to ease now. रोने से दर्द कम नहीं होगा। यहाँ पर इससे बता रहा है कि रोने से दर्द कम नहीं होता, होता है यहाँ पर। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे Pain is not lessened by crying. Pain is not lessened, यानी दर्द कम नहीं होता by crying, रोने से। Pain is not lessened by crying, यानी रोने से दर्द कम नहीं होता। तुम्हारा सामान टॉम की देख रेख में है, इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे Your luggage is in the care of Tom. Is in the care of, यानी के देख रेख में, किसकी? टॉम की। Your luggage is in the care of Tom, यानी तुम्हारा जो लगेज है, तुम्हारा जो सामान है, वो टॉम की देख रेख में है। Your luggage is in the care of टॉम। तुम्हें ये क्रेजी आइडिया कैसे आया? इसने से एक अजीब सा आइडिया बताया जिसे बहुत पसंद आया। तो कह रही है कि हाउ डिड यू कम अप विद दिस क्रेजी आइडिया,